लैंड रोवर डिफेंडर 130 में स्टेडियम स्टाइल सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि सेकेंड और थर्ड रो की सीट्स को थोड़ा ऊपर उठाया गया है ताकि फ्रंट विजिबिलिटी बेहतर हो सके। यदि पीछे ही दोनों पंक्तियों को फोल्ड किया जाता है तो इस एसयूवी में 2516 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। लैंड रोवर ने इंडियन मार्केट में अपनी नई एसयूवी डिफेंडर 130 को लॉन्च किया है। आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता से सजी ये एसयूवी लग्जरी सेगमेंट की इकलौती वाहन है जो कि 8 सीटों के साथ आती है। इसके अलावा ये भारतीय बाजार में आने वाली सबसे बड़ी बॉडी स्टाइल वाली डिफेंडर एसयूवी है। यहाँ के बाजार में पहले से ही डिफेंडर 90 और 110 मौजूद है। अब डिफेंड 130 को पेश किया गया है जिसकी कीमत 1.30 करोड़ रुपए से लेकर 1.41 करोड़ रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। ये एसयूवी कुल दो वेरिएंट्स में आ रही है जिसमें हसे और एक्स ट्रिम्स शामिल है। कंपनी ने इसे पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ बाजार में उतारा है। थ्री रो यानी कि तीन पंक्तियों वाली इस एसयूवी में कुल 8 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, जो कि इस एसयूवी को अपने सेगमेंट में और भी बेहतर बनाती है। कपिलर डिजाइन पर बेस्ड इस एसयूवी का व्हील बेस काफी लंबा है, जो कि केबिन के भीतर बेहतर स्पेस का प्रमुख कारण है। इसके अलावा ये डिफेंडर 110 के मुकाबले 340 mm ज्यादा लंबी है। हालांकि देखने में डिफेंडर 110 और 130 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं समझ में आता है, लेकिन इनकी लंबाई एक दूसरे से काफी अलग है। यदि साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 358 mm है और इसमें 3022 mm का व्हील बेस दिया गया है। इसमें फ्रंट में दो लोग और पीछे की दोनों पंक्तियों में 3-3 सीट्स दिए गए हैं, जो कि 2+3+3 का सीटिंग लेआउट बनाता है। आप एसयूवी में स्पेस का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि पीछे ही दोनों पंक्तियों को फोल्ड किया जाता है तो इस एसयूवी में 2516 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। डिफेंडर 130 में कंपनी ने बतौर लग्जरी एसयूवी उन सभी फीचर्स को शामिल किया है जो इसे सेगमेंट में बेहतर बनाते हैं। इसमें स्टेडियम स्टाइल सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि सेकेंड और थर्ड रो की सीट्स को थोड़ा ऊपर उठाया गया है ताकि फ्रंट विजिबिलिटी बेहतर हो सके। मिडिल सीट को फोल्ड करके आप थर्ड रो की सीट को एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि तीसरी पंक्ति में आराम से 3 व्यस्त लोग बिना किसी परेशानी के बैठ सकते हैं। इसके अलावा एसयूवी में सेकेंड सनरूफ भी दिया गया है जिससे पीछे बैठने वाले यात्री भी खुली छत का मजा ले सकते हैं। इस एसयूवी में 4 जोन एयर कंडीशन सिस्टम दिया गया है जिससे केबिन में बैठे हर व्यक्ति को कूलिंग मिलती है। फीचर्स के तौर पर इसमें 11.4 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि लेटेस्ट पीवी प्रो सॉफ्टवेयर से लैस है। इसके अलावा फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14वें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट, 360 डिग्री सराउंड कैमरा, मैट्रिक्स लेड हेडलाइट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, मेरिडियन ऑडियो सिस्टम और 20 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि डिफेंडर 130 को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प के साथ पेश किया गया है। इसमें कंपनी ने 3.0 लीटर की क्षमता का 6-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है जो कि 400 HP की दमदार पावर और 550 NM का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं डीजल विकल्प के तौर पर इसमें 3.0 लीटर की क्षमा का D300 इंजन दिया गया है जो कि 300 HP और 650 NM का पावर आउटपुट देता है। दोनों इंजन माइल्ड हाइब्रिड असिस्टेंस सिस्टम और 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं।